टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. हैदर अली खान साहब आपसे मॅन ऑफ द मॅच. प्रथमेश ठाकरे भिवंडीच्या वारेड गावातून प्रथमेश ठाकरे आमच्यामध्ये आलेले आहेत आणि बॅटिंग म्हणा बॉलिंग म्हणा आणि फिल्डिंग काय अप्रतिम कॅच घेतली आहे प्रथमेशने. हैदर अली खान साहेब यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार भिवंडीचा हा अष्टपैलू खेळाडू या ठिकाणी घेताना पाहायला मिळत आहेत. फोर स्पोर्ट्सच्या वतीने दिलं जात आहे त्यांना या ठिकाणी एक टी शर्ट, एक आदी जैन ट्रॉफीच्या वतीने दिली जाते ट्रॉफी आणि त्याचबरोबरीने मुंबई सेंट्रल ज्यूस अँड स्नॅक्स सेंटरच्या वतीने आमचे खालिद भाई आहेत त्यांच्या वतीने दिलं जाणारं 200 रुपयाचं गिफ्ट व्हाउचर देखील त्यांच्या ज्यूस सेंटरचं ते देखील या ठिकाणी दिलं जात आहे. प्रथम खूप चांगली कामगिरी आज आपण केलीत. व्यावसायिक क्रिकेट खेळतायत, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कसं वाटली स्पर्धा खेळून आणि पालघर संघात तुम्ही गेली काही दिवस जागा मिळवण्यासाठी थोडंसं धडपड करत होतात, आज मॅन ऑफ द मॅच मिळत आहे. खूप चांगलं वाटतं आणि पालघरचे सगळेच प्लेयर मला सपोर्ट करतात कारण की यंग एमी आणि त्यांचा सपोर्ट खूप चांगला आहे माझ्यासाठी. नक्कीच, मी मागील महिन्यामध्ये ज्यावेळेला आणखी त्यांच्याशी चर्चा केली होती ती की मी त्यांनी मला सांगितलं होतं की आम्ही प्रथमेश ठाकरे हा एक युद्धोन्मुख खेळाडू आहे त्याला प्रमोट करणार आहोत आणि आज त्यांनी जी तुम्हाला संधी दिली ती तुम्ही सत्यात उतरवलं देखील. तर कशा प्रकारचा सपोर्ट ज्यावेळेला तुमच्या गावातून तुम्हाला असतो ज्यावेळेला आज तुम्ही व्यावसायिक क्रिकेट देखील खेळताय? गावचा सपोर्ट देखील असतो आणि मी खास करून आभार मानेन स्वप्नील दादाचा की त्यांनी मला टीडब्ल्यूजी मध्ये खेळण्याची संधी दिली आणि अनिका दादाचं. खूप छान प्रथमेश, येणारं भविष्य तुमचं उज्ज्वल आहे. आधी या आधी जैन ट्रॉफीच्या वतीने तुमचं खूप 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 अभिनंदन. क्रिकेट रसिक हो, धन्यवाद हैदर अली खान साहेब. पहिल्या दोन मॅच संपलेल्या आहेत, आता क्वार्टर फायनलची मॅच आपल्या समोर येईल. ज्या ठिकाणी एका बाजूला जर पाहिलं तर रॉयल ऑरियर कांदिवली ओमसाई बांद्रा एकत्रितपणे आणि त्यांच्या विरोधात टी डब्ल्यू जे डॉमिनेटर गुहागर म्हणजेच टीम पालघर यांच्यातील मॅच पाहत राहा आदी जैन ट्रॉफी 2022 जोगेश्वरी पश्चिम मुंबई. पुढची मॅच काही क्षणातच आपल्या समोर. आवाज असेल व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर यांचा. हेलो, मैच 5 ओवर का है और जब अजान होगी तो कमेंट्री रुक जाएगी.
नन्हे पांच कन्फर्म किया है वसीम भाई से, टॉस के टाइम गुफरान भाई कन्फर्म किया है पांच ओवर करेगा। थैंक यू।
शामदीद शाहफैब, अरे आप तो शान ही, आप तो वाह है। हाँ माशाल्लाह, हमारे अनीप भाई बांगड़ हमारे साथ बैठे हुए, खास वेरावल की आवेल छे। अनीप भाई आपनो स्वागत छे। सोमनाथ, अलग धनी सोमनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वेलकम हनीफ भाई बांगड़, वेलकम शाहफैब। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप देख रहे हैं आदि स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित आदि जैन ट्रॉफी 2022, और इस वक्त रॉयल वॉरियर्स ओम साई ये टीम बैटिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है। TWJ डोमिनेटर गुहागर पालघर। अजान का समय था और अल्लाह को याद करने के बाद अब एक बार फिर से हम आपके सामने मुखातिब हो चुके हैं। नए ओवर की शुरुआत और वाइड बॉल, बोल रहे अक्षय गरत, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 5 ओवर का मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल। साइड आर्म बॉलिंग एक्शन, बहुत बढ़िया एंगल, वाइड एंगल किया था, मुड़ती हुई गेंद और चिन्मय कदम के बल्ले के रेंज में नहीं आ पाई। बेहतरीन पिचिंग यहां पर छोटे रनअप पर, एक और लाजवाब गेंद। कल बिल्कुल इसी तरह स्लो लेग ब्रेक पर हमने बिपिन जाटा किया और सत्यम को बॉलिंग करते हुए देखा था, और आज यहां पर क्या टप्पा है गेंद का। अक्षय घरत, ओहो, घरत की तारीफ की जाए उतनी कम है। डायरेक्ट हिट स्टंप पर और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा बैटर को। बड़ा विकेट और सौरभ आउट, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी यहां पर अक्षय घरत की। गेंदबाजी में टप्पा और बाहुबली का कटप्पा कोई भूल नहीं सकता। आपका टप्पा ऊंचा अच्छा होना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों हमारे बीच शोएब मेमन साहब, इनका भी आगमन हुआ है। शोएब भाई आपसे भी गुजारिश है कि तशरीफ लाए मंच पर। रॉयल वॉरियर्स ओम साई बनाम TWJ डोमिनेटर गुहागर पालघर। मतलब गुहागर एक कोकण में जगह है और गुहागर और पालघर का एक बॉन्डिंग, तो नए बैटर है प्रणय। बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए हैं लेकिन पर्याप्त रन जरूर कहे जाएंगे, क्योंकि रॉयल वॉरियर्स ने अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर पिछला मुकाबला जीता था। ऋषभ ने जो गेंदबाजी की थी काबिले तारीफ, और रहीम बाबा को उस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया गया था। अच्छी पारियां वहां पर रही थी सहवाग और सौरभ की। एक और बढ़िया गेंद, मतलब गेंद टप्पा खाती है बाहर जाती है, टप्पा खाती है बाहर जाती है। डॉक्टर की लिखावट को केवल कंपाउंडर ही पढ़ सकता है, और अक्षय गरत की जो गेंदबाजी है उसको करण मोरे ही पढ़ पा रहा है। बैटर के लिए बहुत मुश्किल है, गेंद और बल्ले के बीच में अब संपर्क हुआ और डेफिनेटली इस बार बॉल जाएगी आलीशान सिक्स। डिस्टेंसिंग चल रही थी लेकिन अब टूट पड़े वहां पर प्रणय। इस बार बल्ले का भारी सिरा और कैच आउट का मौका था। एक अच्छा ओवर जरूर मुकम्मल किया है, 4 ओवर और 45 रन और विकेट गिरी है कुल मिलाकर 3। बैटिंग कर रहे इस वक्त चिन्मय कदम और प्रणय। इस टूर्नामेंट का पहला पुरस्कार 1,00,000 रुपए, दूसरा इनाम 50,000 रुपए। दो खूबसूरत ट्रॉफी हमारे स्टेज पर आप देख रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी है जैन फिल्म्स, मोहसिन भाई शेख, बॉल स्पॉन्सर फुल टॉस, दत्ता भाई, साई एंड शुल स्पोर्ट्स। हमारे अन्य स्पॉन्सर है माइलस्टोन पलाजियो, आरफत मादरे, AK प्लाईवुड, एहतेशाम भाई, ई एंड सन्स, दिलावर मलकानी, शालीमार कार पॉइंट, मोहसिन भाई, फोर स्पोर्ट्स, शाह फैब के
सरफराज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक्स सेंटर इनका भी शुक्रिया, शोएब भाई मेमन साहब हमारे शाह फैब वाले भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है, और हनीफ भाई भांगड़ हमारे आखिरी ओवर करेंगे, पंकज पाटिल और पलन, पलन के सामने है चिन्मय कदम 45 for 3। आखिरी ओवर की पहली गेंद लपेट लिया है वहां पर, दौड़ने की जरूरत क्या है, और यह लगा शानदार सिक्स। हाई आर्म बोलिंग एक्शन है, चिन्मय के बिल्कुल गले की ऊंचाई तक आती हुई गेंद, और वो गेंद इसके पहले हलक में अटके उसको मैदान के बाहर भेजकर अपनी बल्लेबाजी की झलक दिखाते हुए चिन्मय कदम, जिसमें है दम। आप अच्छे पोजीशन में रॉयल वॉरियर्स, ओम साई, लेकिन बहुत फायर ब्रांड बैटिंग अटैक है इस टीम के पास, पालघर टीम के पास। करण मोरे बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, सुप्रीमो में भी बहुत जबरदस्त बैटिंग रही थी उनकी, पालन किए गेंद इस बार वाइड बॉल, पंकज पाटिल पालन बहुत ज्यादा ऊंची हाइट पर गेंदबाजी कर रहे हैं, एबे क्रुविला की तरह उनकी हाइट है, और चिन्मय कदम को वहां पर अगली गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, और यहां पर देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ रनवे पर, पालन ने आउट किया कदम को, और पालन ने इस तरह विकेट लिया, चिन्मय कदम खतरनाक हो सकते थे, आउट हो गए, अब नए बैटर जा रहे स्वप्निल। गेंद को जैसे पिचअप किया स्ट्रेट शॉट लगाना चाहते थे वहां पर, हेलीकॉप्टर शॉट, चिन्मय और पंकज के हाइट का फर्क देखिए, जो जो एक खास वजह रही थी, पालन ने ये विकेट लिया, और आखिरी ओवर में रनों की रफ्तार जब बढ़ रही थी, रनों को रोकने का प्रयास किया, और अनिकेत राउत भी अब मन में बोल रहे होंगे, ओ पालन हरे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, पालन को अच्छी बॉलिंग करनी होगी लास्ट ओवर में, स्कोर अभी भी देखे तो 52 for 4 विकेट्स, 4 विकेट पर 52 रन, पांचवा और अंतिम ओवर, पालन किए गए इस बार फुलर लेंथ की, और अंपायर बाई का इशारा देते हुए स्कोर 53 for 4 विकेट्स। तो आइए अब ये खूबसूरत ट्रॉफी आपको इसकी तरफ आइए रुक करते हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है आपके इस वक्त स्मार्टफोन पर, ये ट्रॉफी दिखाई जा रही है जिसके लिए जद्दोजहद चल रही है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक रन बढ़िया थ्रो और दूसरा रन भी पूरा किया। देखिए घर में गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, आईफोन है, लेकिन घर में अगर ऐसी ट्रॉफी ना हो तो घर अधूरा है, ट्रॉफी के लिए खेले, और ये आदि ट्रॉफी है, आदि और जैन दो बच्चों के नाम की ट्रॉफी है, जिसको एंजॉय करते हुए हमारी पब्लिक। इस बार फुल टॉस बॉल, काफी समय हवा में, दूर से जाते हुए अनिकेत राउत जो टीम के कैप्टन है, अब गेंद को उठाया, थ्रो कर रहा, लेकिन वहां पर 2 रन पूरे कर चुके थे जब तक बैटर प्रणय, और स्कोर अब और आगे ले जाते हुए 57 रन पर पहुंचा है, 5 ओवर का मैच, 57 रन। ट्रॉफी को जीतना एक बड़ी बात होती है, एक मेडल मिलना, एक सर्टिफिकेट मिलना, हम सबके जीवन में हमको कभी ना कभी तो इनाम मिला है। एक और बेहतरीन बॉल थी, पालन ने देखे ड्राइविंग लेंथ से थोड़ा शॉर्ट रखा था इस गेंद को, और ओवर के मुकम्मल होने का वहां पर इशारा करते हुए अंपायर नासिर शेख, 57 रन पर पारी समाप्त होती हुई, और मैच जीतने के लिए 58 रन बनाने हैं, जबकि अगले मैच के टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं।
हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे और कांधारी किंग्स बैंड्रा, रॉयल वॉरियर्स ओम साई अब मैदान में फील्डिंग के लिए आएंगे। 58 रन बनाने, स्कोर कोड को अगर हम देखें तो प्रणय और चिन्मय ने अच्छी पारी खेली। इनफैक्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो सौरभ ने भी निरंतरता के साथ लगातार दूसरे मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है। 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण 150 से भी ज्यादा मुल्कों में लाइव हो रहा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, आपका कोई करीबी दोस्त अगर कहीं भी रहते हैं, लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, जोहानिसबर्ग में हो, सीधा इसके साथ राब्ता कर सकते हैं। नासिर भाई ने भी दहिसर बॉयज के लिए काफी समय क्रिकेट खेला है। सो आई थिंक देखिए, जो खेल आपने खेला है उसको खेल को आपको वापस कुछ देना चाहिए। तो वापस कैसे दे सकते हैं आप? अंपायर बन सकते हैं, स्कोरर बन सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप ग्राउंड्समैन बन सकते हैं, पिच बना सकते हैं, डीजे बन के आप सेवा दे सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट करके आप सेवा कर सकते हैं। तो अब दोनों ओपनिंग बैटर्स मैदान में उतर चुके हैं। TWJ डोमिनेटर गोवा अगर पालघर के लिए, पालघर का लिटिल मास्टर करण मोरे, इनको आप एक्शन में देखेंगे। टेनिस बॉल, रबर बॉल और लेदर बॉल तीनों में बहुत अच्छे फॉर्म में, मिजाज में बैटिंग करते हुए पालघर जिला महाराष्ट्र का सबसे लेटेस्ट बना हुआ जिला है और पालघर का विकास अब हो रहा है। पालघर, बोईसर, डहाणू, घोलवड़, ये जो जगह है अब डेवलप हो रही है। चिंचनी, और अगर आप शुरू करें तो वैतरणा से, वैतरणा, सफाड़े, केड़वे, उमरोली, ये जो सारी जगह है, पालघर इज डेवलपिंग। आदि जैन ट्रॉफी 2022, लाखों की तादाद में दर्शक इसको कल भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं। मतलब फरीद भाई बता रहे कि कभी मैंने तसव्वुर में भी सोचा नहीं होगा कि सऊदी से फोन आया उनको और बोले मैं वहां से देख रहा हूं, ये बड़ी बात है। सो जब दूर दराज से ऐसे कॉल आते हैं तो मजा आता है। आइए नासिर भाई, दहिसर बॉयज के लिए कई साल जो क्रिकेट भी खेले, खिदमत की, आइए, आपका स्वागत है, वेलकम सर। So we start the second innings, 5 overs apiece. पूरा ग्राउंड मैनेजमेंट वसीम भाई शेख और उनकी टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जो कॉपरेशन आपने दिया है। स्टेज पर इस वक्त हनीफ भाई बांगड़ हमारे शाह फैब वाले भाई साहब है, नासिर मामू इनका भी आगमन हुआ है, शोएब मेमन साहब हमारे साथ उपस्थित है, तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम ईच एंड एवरीवन, ऑल इन अ फैमिली। हमारे मुंबई के अपडेटर अमित बाबा ठवाल, इनका भी आगमन हो चुका है। अमित बाबा ठवाल के आर्टिकल का लोग इंतजार करते हुए, आइए पहले ओवर की शुरुआत और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। ऋषभ, पहला ओवर ऋषभ द्वारा, देखिए बल्ला और पैर दोनों को साथ में रखते हुए बहुत नजाकत के साथ उस गेंद को खेला वसीम के पास शॉर्ट पॉइंट पर। पहले मैच में ऋषभ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को चारों खाने चित किया था। ऋषभ का सामना यहां पर अब पहले ओवर में, इस
इस बार स्क्वायर ड्राइव और अब जाकर गेंद को वहां पर रोकने का प्रयास वसीम पहुंचे थे और तेज कदम भागते हुए रनों को अहमियत दी गई है। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी रही, कॉलिंग अच्छी रही थी जिसके बदौलत एक को दो में तब्दील कर पाए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीन पर पहुंचा है। 5 ओवर का मुकाबला 58 रन मैच जीतने के लिए चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। कल हमने देखा अब्दुल इलेवन नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे ये टीम ने जगह बना ली है। इस बार भी देखे ड्राइव तो अच्छा था, आवाज आई थी लेकिन घास ज्यादा होने की वजह से गेंद वहीं रुकी और वसीम को लगातार मसरूफ रखा है दोनों बैटर्स ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पर पहुंचा है, 54 रन और चाहिए आदि जैन ट्रॉफी 2022। लोअर फुल टॉस इस बार इसे खेल दिया है इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, विकेट कीपर स्वयं सहवाग दौड़कर जा रहे वहां पर एक को दो में, तेज कदम भागते हुए तब्दील कर लिया। जी हां सहवाग वहां गिर गए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है 6 विदाउट लॉस। बॉलिंग करते हुए ऋषभ, देखिए इस मैदान पर चौके छक्के लगते हैं लेकिन 1 और 2 रन की अहमियत को भी भूलना नहीं होगा। जिस तरह से दोनों बैटर्स जानते हैं कि कमजोर गेंदे आएगी तो गेंदे बाहर जाएगी लेकिन जब 1 और 2 का मौका भी मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए और ये तमाम रन मायने रखेंगे अगर मुकाबले को जीतकर आगे बढ़ना है इस प्रतियोगिता में। क्रीज के कोने से इस बार इस गेंद को किया था, इस बार भी थोड़ा तकलीफ महसूस हुई। करण को पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए तेज कदम भागते हुए। जी हां देखिए बैकअप करने के लिए वहां कोई नहीं था, घर वाले घर नहीं तो हमें किसी का डर नहीं, 2 रन दौड़कर पूरा करता हुआ करण मोरे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा है, 50 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। पहला ओवर इस वक्त अंजाम किया जा रहा है, बिल्कुल यहां से करीब ओडीसी ओशिवारा डेवलपमेंट क्लस्टर बनने जा रहा है और ओशिवारा आने वाले दिनों में मतलब दूसरा बीकेसी बनेगा ये हम कह सकते हैं। इस बार बैठक शॉट लेने का प्रयास, बड़ी अपील थी लेकिन अंपायर की नजरों में शायद वो आउट नहीं थे। लेग बाय का इशारा और यहां पर पहला ओवर जो है समाप्त होता हुआ, 9 रन बने हैं यानी कि अब 49 रन चाहिए 24 गेंदों में। 24 चेंडू बनी है, कोण 50 धावन की गरज। आप देख रहे हैं आदि जैन ट्रॉफी 2022। इस टूर्नामेंट में एक और खास बात, लगातार 3 चौके 3 सिक्स लगाने पर, विकेट की हैट्रिक लेने पर आपको सीताफल जूस दिया जाता है, मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक्स सेंटर। सीताफल भी एक रॉयल फल है, सब्र का फल मीठा होता है और अगर आप कुछ अच्छा काम करें तो सीताफल मिलता है। चंद्रकांत शेट्टी जी ने उसका कल आनंद लिया है और मैं भी मन ही मन में बोल रहा हूं अपना नंबर भी आएगा। सो नया ओवर लेकर आ रहे राज। देखिए इस मैच में स्ट्रेटेजी चेंज है, पिछले मैच में राज ने लास्ट ओवर किया था, इस मैच में दूसरा ओवर उनको दिया जा रहा है और राज के सामने बैटर है करण मोरे। करण मोरे भी मुंबई प्रीमियर लीग जैसी अव्वल दर्जे की टूर्नामेंट खेल चुके हैं। आज राकेश प्रभु की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है लेकिन यह क्रिकेट है और अब विकेट कीपर में हम देख रहे हैं वसीम को। नए ओवर की गेंद तेज तर्रार, लेफ्ट आर्म गेंदबाजों ने भी आज काफी प्रभावित किया है हमें इस प्रतियोगिता में। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत और डॉट बॉल। तो हमारे बीच कांदारी किंग्स के मैनेजर संतोष बंड, आपका भी हार्दिक स्वागत है, स्टेज पे आइए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट सुप्रीमो ट्रॉफी के वो कमिटी मेंबर भी हैं। ओहो क्या घुमाया इस बार, इसको कहते हैं घूमी घूमी कराना,
ઘૂમી ઘૂમી ગુજરાતીમાં આની ભાઈ એમ કેવા ભમરડો ફરાવ્યો, આવા ભમરડા ફડે ને તો છબરડા થાય. इस बार करण मोरे के रेंज में आ गई, अब करण मोरे कहां मानेंगे. अफलातून सिक्स हाफ ट्रैकर बॉल थी, करण मोरे भी अपने मन में बता रहे थे एक तुम्हारी एक हमारी हो जाए यलगार और देखे कौन पड़ता है किस पर भारी. और ये सिक्स के जरिए स्कोर हो गया 15, 58 रनों का लक्ष्य है, 15 बन चुके हैं, 43 की दरकार है. और दूसरा ओवर इस वक्त राज द्वारा लेफ्ट आर्म ओवर. करण मोरे इस बार बराबर से फिनिश नहीं कर पाए, शॉट को गेंद जॉगिंग ट्रैक के पास जा रही है, एक रन को मुकम्मल किया, दूसरा रन भी वहां बन जाएगा करण मोरे के लिए. और ऋषभ दौड़कर आए थे वहां पर, तीसरे की जरूरत नहीं करेंगे. देखिए कितना दूर से दौड़कर आए थे ऋषभ, ऐसा लगा मानो राम मंदिर से जोगेश्वरी दौड़कर आए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17. आप सभी का हार्दिक स्वागत. दोस्तों जोगेश्वरी में यहाँ स्टेशन से आते समय मैंने अजीत वाडेकर चौक देखा. अजीत वाडेकर जिसके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने 1971 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में जाकर सीरीज जीती और उनके नाम का चौक बना हुआ है अजीत वाडेकर के नाम का, जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भर जाते थे. इस बार बल्ले का मोटा सिरा, हालांकि कैच आउट नहीं हो पाएगा. वसीम के हाथ में गेंद आई और जो थोड़ी अंगड़ाई वसीम ने ली, मुझे ऐसा लगा कि डांस इंडिया डांस का माइकल जैक्सन स्टेप तो कहीं नहीं कर रहे, हाथों में दस्ताने पहने हुए. स्कोर है 17, यानी कि मैच जीतने के लिए अभी भी 41 रन चाहिए और गेंदें बची हैं 18 चेंडू, 41 दावा, 5 षटकों का सामना. अगले मुकाबले की दोनों टीमों को यहां हाजिर होना है. पिछले दो दिन में जो क्रिकेट हुआ है, मैं आशा करता हूं कि हमारे जोगेश्वरी के तमाम नाजरीन इससे मुतमैन होंगे. और मैं गुफरान भाई और उनके परिवार का मशकूर हूं, उन्होंने इस जलसे में मुझे शामिल किया. ये क्रिकेट का एक ऐसा जुनून है जोगेश्वरी में, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जोगेश्वरी ने भी दिए. और अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. बोलर है जुनैद. पिछले मैच में जुनैद ने दूसरा ओवर किया था, लेकिन अब उनको तीसरा ओवर दिया गया है. जैसी टीम वैसी स्ट्रेटेजी, जैसे खिलाड़ी वैसे दांव पेच. सबसे बड़ी बात है जीतना, हर वक्त जीतना जरूरी. जुनैद के नए ओवर की पहली गेंद, इस बार इसको खेलते हुए बैटर बहुत अच्छी बैटिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रशांत गरत देखिए पालघर में जाएंगे तो गरत जो है इनका भी बहुत बड़ा बोलबाला है. तुषार गरत, प्रशांत गरत, अक्षय गरत, प्रणय गरत. अब बादल आए हुए हैं, बल्ले का बाहरी सिरा, इस बार डेफिनेटली कट लगा था जड़ को लगकर बॉल हवा में. करण मोरे थोड़ा आसमान की तरफ देखा कि मैं बच गया. स्कोर 38 required to win the match. ये क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ इस वक्त. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी. TWJ डोमिनेटर गुआगर पालघर की बैटिंग चल रही है और बोलिंग कर रही है रॉयल वॉरियर्स ओम साई. इस बार एक और मौका था, वहां पर जंप जरूर किया अपने बाएं और जाते हुए एक रन को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके, आउट का खतरा, अंडर एंड थ्रो और आउट. प्रशांत गरत आता ही येतील परत,
कोई बात रो और आउट कर दिया। अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने लॉन बॉल देखा होगा, बिल्कुल उस तरह का वो थ्रो था लॉन बॉल का और आउट होकर वापस आ गए प्रशांत गर्ग 21 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। रन बनाने होंगे, आक्रमणी बचाव का सही तरीका है, जरूरत से ज्यादा आप बचाव नहीं कर सकते। कराटे में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है लेकिन बॉक्सिंग में सिखाया जाता है कि मौका मिले तो मुक्का मारना चाहिए। गिव अ पंच, नेवर हेजिटेट। जब आप पंच करोगे तभी आप इनाम लेने के लिए मंच पर आओगे। नए बैटर प्रथमेश ठाकरे अब आ चुके हैं, भिवंडी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। भिवंडी और रायगढ़ में क्रिकेट इस वक्त वाकई में सुजलाम सुफलाम हो रहा है। एक गांव एक गट कहिए, शहरी क्रिकेट कहिए या फिर 40+ कहिए, बहुत अच्छे फॉर्मेट पर भिवंडी और रायगढ़ दोनों प्रगति कर रहे हैं। मुंबई भी प्रगति कर रहा है, पुणे, बाकी जगहों पर भी क्रिकेट जा रहा है लेकिन रायगढ़ और भिवंडी काफी आगे चल रहे हैं। इसमें एक और लाजवाब गेंद जुनैद की, लेकिन वाइड बॉल अंपायर नासिर शेख द्वारा, और जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर गेंद करना ये खतरे से खाली नहीं होगा। अब वसीम आए वहां पर, कैंसिल किया है क्योंकि स्टंप पर लग चुकी है गेंद, आई थिंक इज ए हिट विकेट। इज हिट विकेट आउट राइट, या लॉ नंबर 35 और इसके साथ आउट हो गए एक अजीबोगरीब ढंग से। हिट विकेट हुए करण मोरे। क्रीज में ज्यादा डीप जाने का कभी कभी नुकसान हो सकता है। बल्लेबाजी करते समय आपके शरीर का कोई भी हिस्सा या आपका प्लेइंग इक्विपमेंट अगर स्टंप पर जाता है और बेल्स डिसलॉज हो जाते हैं तो आप हिट विकेट आउट घोषित किए जाएंगे। अब हल्की सी बारिश का आगमन हो चुका है। शब्बीर कुमार का गाना याद आ गया, बादल क्यों गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। बादल गरजेंगे, बारिश आएगी। जुनैद की एक गेंद, इस बार खेला बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, बॉल जा रही है लेग स्लिप में, एक रन। पालघर जरा राखीव खेळाडू पाठवा प्लीज, फलंदाजाची नाव कळत नाहीये। स्कोर 22-2, 22 रन 2 विकेट। आदि जैन ट्रॉफी 2022 में आपका स्वागत। आदि स्पोर्ट्स द्वारा इस शो को मुनाकिद किया गया है। इस बार पंच लगाया, व्हाट अ कैच, सहवाग ने क्या कैच लिया, मोशन में सहवाग ने दिल को बाग बाग कर दिया। मैच को टर्न कर दिया यहां पर सहवाग के इस कैच ने, क्योंकि कृतेश नए बल्लेबाज है कृतेश गरत। अक्षय गरत आउट हुए। स्कोर अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त 36 टू विन। सहवाग ने तबीयत खुश करने वाला कैच ले लिया, जितेश चौहान उनका नाम है लेकिन सहवाग। और अब बारिश आते ही मुगले आजम का डायलॉग याद आ गया, तखलिया, सब दूर जा रहे हैं। अब
बहुत जबरदस्त कैच लिया। देखिए इस तरह के कैच याद रह जाते हैं, दिखने में आसान था लेकिन मोशन में जाते हुए अपनी नजरें गेंद के ऊपर गड़ाए रखी और सहवाग ने ये कैच लिया। सहवाग ने पहले मैच में भी अच्छी बैटिंग की, दूसरे मैच में भी उन्होंने विकेट कीपिंग और फील्डिंग अच्छी की है। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर के खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग और जोगेश्वरी के मैदान पर अपना सहवाग, ये दोनों मिल जाए तो जिंदगी हो जाए बाग बाग। ऋषभ की ये गेंद अपर कट बहुत ही शालीन अंदाज में उस स्ट्रोक को अंजाम दिया, स्कोर एक रन से आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा है। ऋषभ ने नए ओवर की शुरुआत की है, ये पारी का चौथा ओवर रहेगा, पांच ओवर के मुकाबले हैं, अब 11 गेंदें बची हैं, स्कोर है इस वक्त 23। पैंतीस रन और चाहिए 11 गेंदों में। स्ट्राइक पर है प्रथमेश ठाकरे, इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास जरूर था। आधे पिच तक गए थे कृतेश गरत जाना यावल अगल परत, देखिए अब पिच पर दौड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। अब आपका जो फुटवर्क है यह माइकल जैक्सन और शकीरा जैसा चाहिए। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश जरूर थी, बराबर से प्रथमेश ठाकरे को गेंद मिल नहीं पा रही है, उसका पूरा श्रेय ऋषभ को जाता है। ऋषभ इस पूरे टूर्नामेंट में काफी प्रभावी गेंदबाजी करते हुए, जुनैद का अच्छा साथ मिला, राज है एक अच्छा बोलिंग अटैक लेकर चलते हुए, रॉयल वॉरियर्स ओम साई बांद्रा, एक बार फिर से अब धूप आती हुई, धूप छांव का खेल चलता हुआ। इस बार लगभग छाती की ऊंचाई तक आती हुई गेंद और हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, एक रन वाइडिश गली में जहां वसीम ने गेंद को रोका, स्कोर 25। अब 33 रन और चाहिए जबकि चौथा ओवर अंजाम किया जा रहा है। प्रथमेश ठाकरे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मैच को निकालने की। ठाकरे का इस बार शॉट एम बुल क्लोज टू द बॉडी, ओ व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग कैच, प्रणय ने कैच लिया और आउट हो गए प्रथमेश ठाकरे। रॉयल वॉरियर्स ओम साई बांद्रा टीम की फील्डिंग लाजवाब है, सहवाग ने क्या ब्लाइंडर लिया, ये भी क्या बेहतरीन बॉडी बैलेंस के जरिए कैच, और नए बैटर है अनिकेत राउत, ये भी एक बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो पिछला 10PL शारजा में हुआ उसमें ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग के वो कैप्टन रहे थे, जिसने रनर्स अप प्राइज हासिल किया। सबसे बड़ी बात है जेंटलमैन क्रिकेटर, बहुत कम क्रिकेटर है जो अपने को मिली हुई इनाम की राशि को समाज सेवा में खर्चा करते हैं, और अनिकेत राउत उसमें की एक खिलाड़ी है। कई बार उन्होंने ये एग्जाम्पल हमारे सामने रखा, अपने को मिली हुई इनाम की रकम उन्होंने डोनेट कर दी। अब आते ही उन्होंने हल्ला कर दिया, अनिकेत का बल्ला कर रहा है हल्ला और वहां पर राज के हाथ से कैच छूट गया। अगर यह कैच हो जाता तो क्या बात थी, अगर यह कैच होता तो इस वक्त स्कोर 26 पर पहुंचा, आखिरी ओवर में 32 रन चाहिए। रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर, आखिरी ओवर करेंगे सोनू बिंद। राज अगर कैच ले लेते तो क्या बात थी, पूरा बांद्रा बोल उठता कि अगर आगरा में ताज है तो बांद्रा में राज है, लेकिन राज कैच नहीं कर पाए और वो मलाल रहेगा। लेकिन कौन बनेगा क्रिकेट का सरताज, इसके लिए इंतजार कीजिए क्योंकि अभी कुछ मैचेस बचे हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत,
पहली गेंद बहुत ज्यादा बाहर और वाइड बॉल, अंपायर करुणाकर कोटियन द्वारा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। 31 रन और चाहिए 6 गेंदों में। लोअर फुल टॉस और गेंद जाकर दीवार पर लगी है 1 रन। पांच बॉल 30 रन। कृतेश गरत, व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट, और बॉल को भेज दिया फ्लैट 6, चाबुक शॉट, बल्ले को चाबुक की तरह घुमाया और 6 रन। 34 रन, यानी कि अब 4 गेंदों में 24 रन, 4 सिक्स लगाने हैं। और शिवा, 4 बॉल में 4 सिक्स अगर लगते हैं तो मेरे को लगता है मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर जो है वहां पर उनका जाना तय है। 4 बॉल्स 24 रन, सोनू। एक रन, मैच को अब सेव कर दिया सोनू ने। इस बार डॉट बॉल सोनू, सोनू ने मैच को सेफ तो कर दिया है, लेकिन वाकई में काबिले तारीफ फील्डिंग आज बहुत बढ़िया रही है रॉयल वॉरियर्स ओम साई बांद्रा की। इस बार अनिकेत राउत ने पुल कर दिया, देर सवेरी क्यों नो, कैप्टन द्वारा कैप्टन शॉट और ये 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 17 रन और चाहिए। तो यहां पर मैच को खत्म कर दिया है, 16 रन से इस मैच को जीत लिया है रॉयल वॉरियर्स ओम साई बांद्रा टीम ने। और अभिनंदन आपका, एक्सलेंट परफॉर्मेंस, और इसका पूरा श्रेय जाता है एक अच्छे टीम वर्क को, अच्छी कैप्टनशिप, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग के जरिए। अभिनंदन चिन्मय कदम एंड टीम रॉयल वॉरियर्स ओम साई बांद्रा। और आइए देखते हैं इस मैच का मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाता है।